नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। आज ये बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन इलाका में आने वाले इलेक्शंस के लिए आरएएफ कंपनी का इन एंड अराउंड 120 मेंबर्स ऑफ फोर्स विद सिविल लोकल फोर्स ये फ्लैग मार्च बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से 9 नंबर अत्तापुर रोड किशन बाग और एनएम गोड़ा पूरा एरिया के लिए हम फ्लैग मार्च करें। इसका मतलब क्या बोले तो ये आने वाले इलेक्शंस को पूरा लोगों को लिए हिम्मत के लिए हिम्मत देने के लिए हम हैं आपके साथ। वो इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर पोलिंग के लिए आप आराम से वो
आपका वोट डाल सकते, कोई किसी को डरने का जरूरत नहीं है, वो मैसेज देने के लिए हम ये फ्लैग मार्च टेक अप करें। वो फ्लैग मार्च बहुत अच्छा हुआ, वो पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। बीच में भी थोड़ी पब्लिक पूछे, उसके बाद समझाया वो लोगों के ये मतलब क्या है बोल के। इसके लिए और भी आने वाले दिन में और भी फ्लैग मार्च करते रहते हम, इसके बारे में वो पब्लिक के भरोसा के लिए। थैंक यू। विधानसभा चुनाव संपन्न होना है, जिसके तहत तेलंगाना राज्य में भी 7 दिसंबर का सब चुनाव संपन्न होना है। इसी के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पे नियोजित किया है। इसी के तहत में तेलंगाना में भी हमारे साथ आरएफ की 3 कंपनी अभी यहां पर स्थापित हो चुकी है, और हम तेलंगाना के साउथ जोन में 99 बटालियन की 4 कंपनी चेलापुर पीटीसी में रुकी हुई है। यहां पर लोगों को एक अच्छा मैसेज देना है कि फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और लोग अपने बगैर डर का, बगैर भय का घर से बाहर निकले और अपना चुनाव, अपना मतदाता, अपना बहुमत लोगों को अपने अनुसार दे सके। इसलिए लोगों के साथ हम फ्लैग मार्च हर इस साउथ जोन के हर क्षेत्र में, हर पुलिस स्टेशन में जाकर संपन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे साथ 4 मिनट का एसीपी सर ने हमारे साथ बहादुरपुरा में सिविल पुलिस के साथ बहुत अच्छा ही सहयोग से सुरक्षा और प्रिया अपनाकर ये हमारे साथ फ्लैग मार्च का संपन्न करवाया। धन्यवाद। थैंक यू।